दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलिंद गौतम, आज मैं हूँ उत्तर पूर्वी लोकसभा के ऑफिस में, जहाँ पर राजवीर सिंह जी लोकसभा का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और तीनों पार्टियों को उन्होंने जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। मेरे साथ हैं सुनीता जी, जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया था रोहतास नगर का, और मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि राजवीर सिंह जी जो हैं यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है इस बार वो जीत पाएंगे क्या? जी हाँ, इस बार रोहतास नगर वार्ड से, तो उन्हीं का ही सब कह रहे हैं कि बीएसपी को भी वोट देंगे और राजवीर सिंह जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। जी, आपने रोहतास नगर वार्ड से भी इलेक्शन फाइट किया था बीएसपी की तरफ से, और राजवीर सिंह जी भी लोकसभा का फाइट कर रहे हैं, क्यों बीएसपी को ही क्यों वोट दें हम, बहन कुमारी मायावती जी को ही क्यों दें वोट? क्योंकि बहन मायावती जी गरीबों की साथी हैं, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है, पढ़ाई लिखाई में बच्चों के बहुत सुविधाएं की हैं, गरीबों को मकान प्लॉट दिए हैं, और हम चाहते हैं कि बहन जी ही देश की प्रधानमंत्री बने और महिलाओं का सम्मान बहन जी से ही है। जी, क्या महिलाओं का सम्मान अगर बहन जी नहीं होंगी तो नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है, अच्छा इंसान आना चाहिए जो देश के हित में सोचे, ऐसा इंसान प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम चाहते हैं बहन कुमारी मायावती जी इस बार देश की प्रधानमंत्री बने। क्या लगता है कि राजवीर सिंह जी यहाँ से जो जीत पाएंगे तो कितनी वोट ले पाएंगे वो? इस बार भाई साहब जी का, राजवीर सिंह का बहुत माहौल अच्छा बना है, काफ़ी भारी मतों से उनकी जीत होगी और 100% होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी सुनने में आई है कि राजवीर जी के आने से यहाँ पर युवाओं में और युवतियों में एक लहर सी आ गई है, एक जागरूकता सी हो गई है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनमें कोई अभिमान नहीं है, वो मतलब ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है, आपको अगर दोबारा इलेक्शन फाइट करने के लिए दिया जाए तो आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे और किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? जी, मैं रोहतास नगर विधानसभा से ही चुनाव लड़ना चाहूँगी और बीएसपी से ही लड़ना चाहूँगी, तब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बीएसपी से ही चुनाव लड़ना चाहूँगी। क्या आप पिछली बार जीत नहीं पाई थी किसी कारणवश, इस बार आपकी भी जीत हो पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, मुझे सम्मान बहुत सम्मान मिला है और मैं बहन जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनाव फाइट कराया, और मैं हमेशा जब तक जिंदा रहूँगी बीएसपी से ही चुनाव लड़ूँगी। क्या बहन जी से आपकी कभी मुलाकात हो पाई है? बहन जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, तो भविष्य में हो जाएगी सर। अगर बहन जी से मुलाकात नहीं हो पाई, फिर भी आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, आप अपना पैसा भी लगा रहे हैं, तन मन धन लगा रहे हैं, और पूरे समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। ऐसा है, बहन जी हमारा सम्मान है, उनसे मुलाकात हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनके ही साथ हैं, हमेशा रहेंगे। जी, कल बहन जी आ रही हैं यहाँ पर, 10 तारीख है, कल 10 मई है, और GTV के ग्राउंड में बहन जी आ रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त दिल्ली वासियों से यही कहना चाहती हूँ कि भारी संख्या में GTV ग्राउंड में पहुँचे और बहन जी का सम्मान बढ़ाएं। जी, यही मेरा संदेश है। युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आने वाली 12 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए? युवाओं से, सभी से मेरा अनुरोध है कि बहन जी को, बीएसपी को भारी मतों से जिताएं, और सभी युवाओं के, बहन जी युवाओं के लिए भी कार्य करेंगी, उनके नौकरियों का प्रावधान करेंगी, तो मैं चाहती हूँ कि बहन जी ही इस बार आएं। मेरे साथी सुनीता जी, जिन्होंने अपना एक रोहतास नगर का इलेक्शन भी फाइट किया था, और बहन कुमारी मायावती जी से जब मैंने पूछा कि आप मिले हैं, तो उन्होंने मना किया कि बहन जी से मैं मिली नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें काम बहुत होते हैं, व्यस्तता बहुत होती है, और हम बहन जी से मिले या ना मिले, उनकी विचारधारा जो है वो हमारे साथ रहनी चाहिए, और ऐसी विचारधारा के लोग अगर साथ में हो तो पार्टी को कोई भी धराशा ही नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि इस बार बहन जी PM बनके इस भारत का उद्धार करने वाली। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अनामिका गौतम जी। अनामिका गौतम कोई छोटा नाम नहीं है, मैं आपको बता दूं कि समाज में सेवा करने के लिए अनामिका गौतम का बहुत बड़ा नाम है, और मैं आपको बता दूं कि आंदोलन में भी अनामिका गौतम जो है वो सबसे आगे रहती है, चाहे किसी के घूसा मारना हो, चाहे लात मारनी हो, चाहे किसी के ग्रेवान पकड़ के उसे सुधारना पड़े, इन लड़कियों के साथ भी अगर कोई भी अगर घटना घटने की अगर कोई आशंका भी होती है, तो मुंह तोड़ने के लिए ये लड़कियां सारी तैयार होती हैं, और उनकी हेड है अनामिका गौतम। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि अनामिका जी, आपने BSP का पटका बांध रखा है, क्या कहना चाहेंगी BSP के लिए?
मैं बीएसपी के लिए ये कहना चाहूँगी, जैसा आपको देखने के लिए भी मिल रहा है, कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बहन जी एक ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के प्रति कभी गलत सुन नहीं सकती, वो गलत होने भी नहीं देंगी। तो महिला एक नारी जो शक्ति है, आज उन्हीं के मैं प्रेरणा शोध हूँ, जो उन्हीं के कदम पे मैं आज यहाँ आगे बढ़ रही हूँ और अपने समाज में एक हिस्सेदारी, एक भूमिका निभा रही हूँ छोटी सी। क्या इस बार बहन जी का जो ये इलेक्शन फाइट कर रहे हैं 2019 जो पीएम बनाने के लिए हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी इलेक्शन लड़ के और जीत के पीएम बन पाएंगी? जी बिल्कुल, आज जो दौर चल रहा है, आज उत्तरी पूर्वी लोकसभा में जो हमारी यहाँ की सीट है, भाई राजवीर जी यहाँ से जो लड़ रहे हैं, ये एक ऐसी थी, यहाँ पे कैंडिडेट इतने बुरे हालात थे, मगर आज जो ये दब चुकी थी वो आज फिर से उभर चुकी है, और आज यहाँ पे एक जन सैलाब है रोडों पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ, मुझे हर जगह से बीएसपी की बहुत अच्छी सीट और यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से सीट निकलने वाली है। क्या अनामिका जी, अगर ये सीट जो राजवीर जी को दी गई है और दिल्ली में और भी 5 लोगों को दी गई है, टोटल 5 सीटें हैं ये, क्या इनको 3 महीने पहले या 6 महीने पहले अगर ये सीटें मिल जाती तो क्या और ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं हो जाती और जीत की तरफ हम और भी ज़्यादा अग्रसर हो जाते? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर अब भी हम ज़्यादा उसमें नहीं हैं, अब लोग समझ चुके हैं, सब जान भी चुके हैं, जो हम ज़्यादा हमने मेहनत की है और वो लोगों के बीच में आपको देखने को मिलेगी और बहुत जल्द आपके सामने उसका परिणाम भी देखने। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से शीला दीक्षित, बीजेपी से मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी से दलीप, क्या इन तीनों को ये हरा पाएंगे? आपकी बीएसपी पार्टी इसको हरा पाएगी? बिल्कुल हरा पाएगी। देखिए, रही बात शीला दीक्षित की, मनोज तिवारी जी की, जनता के बीच में इन लोगों का एक चेहरा आ चुका है, ना तो इन्होंने कभी कार्य करा, कोई सड़क अधूरी पड़ी है, विकास अधूरा पड़ा है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो लोगों को ना पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में कुछ है, ना ही महिलाओं के लिए रोज़गार है, ना बच्चों के लिए कोई रोज़गार है, सब कुछ नहीं है, तो बहुत ही जल्द आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो भाई राजवीर जी यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं और लोगों ने ठान लिया है, उन्हें सभी तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि कल 10 मई है और 10 मई को बहन कुमारी मायावती जी जीटीवी हॉस्पिटल के सामने वाला जो ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड, उसमें वो आ रही हैं, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल कहना चाहूँगी, वहाँ हर वर्ग का, हर समाज का, हर तबके का व्यक्ति वहाँ पहुँच रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, और अभी से सभी ने तैयारी कर दी है, सभी गाड़ियाँ लग चुकी हैं, सभी तैयारी जोरों शोरों से है, और मुझे लगता है कल आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जगह भी नहीं होगी। अनामिका किस स्थान पे खड़ी होंगी कल? मैं तो लोगों के बीच में खड़ी रहूँगी। जी, और लोगों के बीच में आपका क्या रोल होगा? मेरा वही लोगों को समझाना, मोटिवेशन करना। मोटिवेशनल, तो क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी जो कल आ रही हैं, तो कितनी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे? कम से कम वहाँ पे 2.5-3 लाख आदमी। तो 2.5-3 लाख आदमी? हाँ। पक्का। दोस्तों, कल की जो रैली है बहन कुमारी मायावती जी की, जो 10 मई को होने जा रही है, कल सुबेरे 10 बजे वहाँ पर तकरीबन 2.5-3 लाख आदमी आने की अनुमान जो लगाया है अनुमान जो लगाया है अनामिका जी ने, वो लगाया है कि 2.5-3 लाख आदमी वहाँ पर हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि बीएसपी का जो हाथी निशान है, उस हाथी निशान को लेकर के सभी लोग वहाँ पर 2.5-3 लाख आदमी तो अनामिका जी ने बताए हैं, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर 2.5-3 लाख से भी ज़्यादा लोग होंगे। और मैं अभी मियाना करके भी आया हूँ, मैंने यूट्यूब
यूट्यूब के यू टी वी पे अपने चैनल पे एक रिपोर्ट भी डाली है जहाँ काम चल रहा था और ज़बरदस्त काम है, बहुत बड़ा वहाँ पर मंच भी लगाया गया है, कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, पंखों का खास तौर पे इंतज़ाम किया गया है कि लोगों को गर्मी ना लगे। मैं आपको चाहूँगा कि आप सभी लोग कल 10 बजे 10 तारीख को जी टी वी हॉस्पिटल के ग्राउंड में पहुँचें और बहन जी को सुने ज़रूर, क्योंकि बहन जी शायद कल और भी कुछ नई घोषणाएँ कर सकती हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मिलेंद्र गौतम, कैमरामैन संदीप के साथ।